जय भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, आज हम शिव शंकर जी की कथा सुनते हैं। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की, कथा सुनाते शिव शंकर भोलेनाथ महाराज, जो कि बड़े हैं, भोले हैं, एवं जीवन मृत्यु पर उनका ही अधिकार है, मृत्युंजय मोक्ष दाता भी हैं, एवं देवों में उनका उच्चतम स्थान है। बाबा भोले बड़े भोले हैं, सुनिएगा। शिव शंकर भगवान की महिमा सारे जग से न्यारी है, नंदी बैल पे रहती भोले भंडारी की सवारी है। बड़े तपस्वी बड़े हैं योगी शिव शंकर ये भोलेनाथ, हर एक युग में इनका और गौरा जी का रहता है साथ। अजर अमर और अविनाशी है महादेव भोले बाबा, बड़े कृपालु बड़े दयालु बड़े है वो दानी दाता। महाकाल है शंकर है जग आधार, महादेव से बढ़ के नहीं है देव कोई भी महान। उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, शिव जी महाराज का रूप अनुपम है, आप त्रिनेत्र हैं, गंगा जी धारा उनके जटाओं में रहती है, यह रूप इनका भक्तों के मन को मोह लेता है, कैसे सुनिए। रूप अनुपम है शिव जी का, सबके मन को भाता है, जो भी देखे छटा प्रभु की वो बलिहारी जाता है। अंग विभूति अपने तन पर महादेव जी मलते हैं, केवल नंदी की ही सवारी पर शिव भोले चलते हैं। गर्दन में रहती है शिव शंकर के नाग भुजंग माला, मुखमंडल शिव भोले का लगता है क्या भोला भाला। छाला है महादेव की काया का परिधान, उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते
बोलिए पशुपति नाथ की जय। भक्तों, भोले शंकर से श्रद्धा रखने वाले भक्त सावन के महीने में कांधे कांवड़ लेके गंगा जी से जल लाकर शिव जी को अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से कृपा पाते हैं। आगे वर्णन सुने। जग के तारण हारे हैं शिव जी, जग के पालन हारे हैं, दीन दुखी के बंधु है वो, दुखियारों के सहारे हैं। कांधे कांवड़ लेके श्रद्धालु गंगा घाट पे आते हैं और वहाँ से जल लेकर के शिव शंकर पे चढ़ाते हैं। बेल के पत्ते गंगा जल से होते हैं महादेव प्रसन्न, भक्त भी उनसे मन चाहा वर पाके हो जाते हैं मगन। मस्ती में आकर शिव भोले जब भी नाच दिखाते हैं, देख के भोले के नेते को भक्त भी झूमने लगते हैं। पूरे हो जाते हैं उनके दिल के सब अरमान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की, कथा सुनाते। जनों, बाबा भोलेनाथ की जो शरण में आ जाते हैं उन पर भोले दानी की असीम कृपा हो जाती है और वो भय मुक्त होकर जीवन गुजारते हैं, खुशहाली से अपना जीवन गुजारते हैं। आइए सुनिएगा। दुख भंजन है शिव शंकर, दुखियों के दुखड़े हरते हैं, अपना वरदानी कर वो भक्तों के माथे धरते हैं। उनकी दया और कृपा रहती है अपने सब भक्तों पर, आंच नहीं आने देते अपने भक्तों पे शिव शंकर। संकट में जो लोग लिया करते हैं शिव शंभु की शरण, भोले दानी तुरंत ही देते हैं उनको संरक्षण। शिव की शरण में आकर वैसे मुक्ति सभी हो जाती है, कष्ट से मुक्ति मिलती है तो चैन से वो सो जाती है। भोले की जो शरण में आया उसका हुआ कल्याण, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की, कथा सुनाते। भक्तों, भोलेनाथ महादानी महादाता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय देवों एवं दानवों में विष एवं अमृत के बंटवारे की समस्या खड़ी हुई। नाथों के नाथ भोलेनाथ ने क्या उपाय निकाला, ध्यान दें। देखो शिव शंकर भोले को रचना कैसी रचाते हैं, असुरों को करते हैं पराजित, देवगणों को बचाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जिस दम हुआ महासागर मंथन, समुद्र मंथन कर ले आए अमृत और विष दुख भंजन। अमृत दानवों के हिस्से में और देवों को जहर मिला, जहर पी लिया शिव जी ने और अमृत देव गणों को दिया। विष पी कर के नील वर्ण हुए जब के भोले भंडारी, गले में विष
शेष को रख लेने से नीलकंठ हुए जटाधारी। देवों को अमृत देकर खुद विष का किया रस पान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते। भक्तों, गले में नाग भुजंग एवं विष को धारण करने वाले श्री नीलकंठ नागेश्वर आगे कैसी लीला रचाते हैं? भोले की लीला तो भोले ही जाने। ध्यान देकर सुने एवं भक्ति आनंद ले। आइए सुनते हैं। विष पीने से महादेव को गर्मी का आभास हुआ। शिव शंकर महादेव जी का तन गर्मी से फिर तपने लगा। देखो कैसी लीला महिमा नीलकंठ दिखलाते हैं। शीतल तन करने के लिए लीला ऐसी रचाते हैं। गंगा जी को अपनी जटाओं में वो करते हैं धारण। गंगा जी से शीतल होता है शिव शंकर का तन मन। देवलोक में थी गंगा पर अब आ गई है पृथ्वी पर। पाप सभी के धुल जाते हैं गंगा धारा में बहकर। गंगा जी को अपनी जटा में शिव ने दिया स्थान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते। भक्तों, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं एवं तुरंत ही साधक को मन चाहा वरदान दे देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर दैत्य का है कि जिसके सर पे वो हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। आइए सुनिए। भस्मासुर ने कठिन तपस्या की जब शंकर भोले की सिद्धि प्राप्त हुई उसको और शिव की हो गई कृपा दृष्टि। भोले बाबा बोले भस्मासुर जो मांगोगे दूंगा। तेरी जो भी इच्छा है उसको स्वीकार मैं कर लूंगा। भस्मा बोला मुझको दीजिए महादेव ऐसी शक्ति जिसके सर पर हाथ रखूं मैं भस्म होवे काया उसकी। भोले भंडारी ने फिर अर्जी भस्मा की स्वीकारी। कहा तथास्तु बोले इच्छा पूरी कर लो अब सारी। भस्मासुर ने गर्जना की जब मिला उसे वरदान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते। भक्तों,
उस वरदान को मिलने के बाद भस्मासुर इतना अभिमानी हुआ कि शिवजी को ही भस्म करने की ठान ली। भोले भंडारी ने कहा कि ये तो मुझे ही भस्म करने चला है। और फिर भोले आगे आगे और पीछे भस्मासुर। आइए सुनते हैं आगे का वर्णन। पाकर के वरदान तब वो भस्मासुर अभिमानी शिव जी को भस्म करने की उस पापी ने ठानी। हाथ बढ़ा कर दौड़ा फिर वो महादेव के पीछे, गौरी रूप में विष्णु आए और भस्मासुर से बोले, नाच दिखाओ मुझको भस्मासुर से बोल उठे हरिनाथ। बाएं हाथ तो कमर पे और दाहिना हो माथे पे हाथ, हाथ रखा भस्मासुर ने जैसे ही अपने माथे पर, जल के खुद ही भस्म हो गया, देर लगी ना एक पल भर। भस्मासुर को देख लो भक्तों कैसा था नादान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव।